हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। तो हम 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर लाइट पढ़ रहे थे और उसके रिलेटेड कुछ फिनोमिनास थे उसके बारे में पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन के बारे में, तो एक बार फिर से रिफ्लेक्शन को थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रे विच फॉल ऑन द सर्फेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो रिफ्लेक्शन हम उस प्रक्रिया को कहते हैं जब भी लाइट किसी भी सरफेस के ऊपर पड़ती है और पड़ने के बाद टकरा के वापिस रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो उस प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसके रिलेटेड आपने दो प्रिंसिपल भी पढ़े थे, एक तो पढ़ा था इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, और दूसरा आपने पढ़ा था इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल आइज ऑन द सेम प्लेन, ये सारे एक ही प्लेन पर लाए करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन की कुछ एप्लीकेशन होती हैं डेली लाइफ में, वो कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है कि एप्लीकेशन में आता है कि मिरर, जो हमारे घर पे भी होता है। तो मिरर क्या करता है कि लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो मिरर अलग अलग तरह के होते हैं। तो मेन मिरर दो तरह के होते हैं, एक तो होता है प्लेन मिरर और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर अगेन दो तरह के होते हैं, एक तो होता है कनकेव मिरर एंड सेकेंड इज़ कन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले हम प्लेन मिरर के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये प्लेन मिरर क्या होता है और ये किस तरह रिफ्लेक्शन की जो एप्लीकेशन है उसमें काम आता है। तो सबसे प्लेन मिरर की सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ए मिरर हैविंग प्लेन रिफ्लेक्टिव सरफेस इज कॉल्ड प्लेन मिरर। ऐसा मिरर जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग साइड हो वो प्लेन हो, उसे हम कहते हैं प्लेन मिरर। आपने अपने घर पे भी मिरर देखा होगा। तो मिरर में क्या होती है, दो साइड्स होती हैं, एक साइड होती है पॉलिश साइड और दूसरी होती है रिफ्लेक्टेड सरफेस। तो पॉली सरफेस में क्या होता है कि रेड लाल तरह का एक लेड ऑक्साइड सा होता है, वो वहाँ पे पेंट किया होता है, और दूसरी तरफ हम खड़े जब होते हैं तो हमारी इमेज मिरर में बनती है। तो यहाँ से आपको ये समझ आ गया होगा कि मिरर की दो साइड होती हैं, एक तो पॉली सरफेस होती है और दूसरी रिफ्लेक्टिव सरफेस होती है, जहाँ से लाइट आके वापस टकरा के उसी मीडियम में वापस चली जाती है, तो उसे हम रिफ्लेक्टिव सरफेस कहते हैं। और जो दूसरी वाली होती है, दूसरा वाला साइड होती है जहाँ पे पॉलिश किया होता है, उसे हम पॉली सरफेस कहते हैं। तो सबसे पहले प्लेन मिरर वो वाला मिरर होता है जिसकी रिफ्लेक्टिंग साइड प्लेन होती है, तो उसे हम प्लेन मिरर कहते हैं। तो नेक्स्ट है कि प्लेन मिरर किस तरह की इमेज बनाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपके घर पर भी प्लेन मिरर यूजली होता ही है। तो यहाँ पे आप इस इमेज में देख सकते हो, ये आपका जो मैन है ये ऑब्जेक्ट है और इसी की इमेज मिरर के बीच में बन रही है। तो जब भी एक प्लेन मिरर इमेज बनाता तो कैसी बनाता है, तो आप ये घर पे ऑब्जर्व कर सकते हो, सेम साइज़ की बनाता है। मीन जितना आपका साइज़ है, जहाँ किसी ऑब्जेक्ट का साइज़ है, मिरर में जो इमेज बनती है वो भी उतने ही साइज़ की बनती है। सेकेंड है कि सेम डिस्टेंस, जितने दूर आप मिरर से खड़े हो जाओगे उतने ही अंदर मिरर के इमेज बनेगी। तो सेम डिस्टेंस की इमेज बनेगी, जितने दूर आप जितने फ्रंट में आप मिरर के खड़े होते हो उतने ही अंदर आपकी वर्चुअल इमेज बनती है। सेकंड है कि जो इमेज बनती है प्लेन मिरर में वो वर्चुअल बनती है। वर्चुअल का मतलब कि जहां आप खड़े हो तो इमेज उस तरफ नहीं बनती है, बल्कि जहां से लाइट जा रही है उसके दूसरी तरफ मिरर के अंदर बने, तो उसे हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। थर्ड है इरेक्ट बनती है। इरेक्ट होता है सीधा, मीन आप सीधे खड़े हो तो इमेज भी सीधी खड़ी है और सेम हाइट की बनती है। और लास्ट है लैटरल इन्वर्टेड बनती है। लैटरल इन्वर्टेड मीन साइड वाइज इन्वर्टेड बनती है। जो आपका लेफ्ट हैंड होता है वो मिरर में राइट की तरफ दिखता है, और जो राइट होता है वो मिरर में लेफ्ट की तरफ दिखता है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये एक और मेरे पास है, यहाँ पे देख सकते हो राइट हैंड अपीयर टूवर्ड द लेफ्ट हैंड। तो ये था कि जो प्लेन मिरर होता है वो किस तरह की इमेज बनाता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। स्फेरिकल मिरर इज़ अ मिरर विच हैज़ द शेप ऑफ पीस कट ऑफ ऑफ स्फेरिकल सरफेस। किसी भी अगर स्फेरिकल सरफेस का मिरर हो, उससे अगर हम एक पीस काट के अलग कर दें तो स्फेरिकल मिरर बन जाता है। जहाँ हम ये भी कह सकते हैं स्फेरिकल मिरर हैज़ कर्व्ड रिफ्लेक्टिव सरफेस। तो स्फेरिकल मिरर होता है उसका जो रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है वो कर्व्ड होता है। जैसे आज इस इमेज में आप देख पा रहे हो, ये एक स्फेयर है। तो स्फेयर की
स्फीयर की दो तरफ है, एक तो पॉली सरफेस है, एक रिफ्लेक्टिव है। तो पार्ट वन में आप देख रहे होगी पॉलिश जो सरफेस है वो आउटवर्ड है और जो रिफ्लेक्टिव है वो इनवर्ड है। और सेकंड में आप देख पा रहे हो जो रिफ्लेक्टिव है जहाँ पे लाइट टकरा के वापिस चली जाती है वो बाहर वाली तरफ है, और जो पॉलिश है जहाँ पे पेंट किया है वो अंदर की तरफ है। तो ऐसा कोई भी मिरर जिसकी सरफेस जो हो वो कर्व्ड हो तो उसे हम कहते हैं कर्व्ड स्फेरिकल मिरर। तो अगर इसी स्फेरिकल मिरर का हम एक पार्ट लेके अलग कर दें तो हम जैसे ये आप जहाँ पे देख पा रहे हो कनकेव मिरर, क्या होता है कि जो वन वाला पार्ट था उसी का एक टुकड़ा हमने काट के अलग कर दिया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो पॉली सरफेस है वो आउटवर्ड है और जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है वो इनवर्ड है। तो ऐसा मिरर जिसकी पॉली सरफेस आउटवर्ड हो और रिफ्लेक्टिव सरफेस इनवर्ड हो तो उसे हम कहते हैं कनकेव मिरर। और सेकंड पार्ट को और काट के स्फेरिकल मिरर से एक बॉल होगी, बॉल से काट के अलग अलग करोगे तो आपका कन्वेक्स मिरर बन जाएगा। कन्वेक्स मिरर में क्या होगा कि जो पॉली सरफेस है वो अंदर की तरफ है और जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है वो बाहर की तरफ है, तो उसे हम कहेंगे कन्वेक्स मिरर। तो इस मिरर को फर्दर हम डिटेल में देख लेते हैं। तो यो यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो सबसे पहले डेफिनेशन कनकेव मिरर की, ए स्फेरिकल मिरर, कनकेव मिरर एक स्फेरिकल मिरर होता है हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड, जिसका रिफ्लेक्टिव सरफेस अंदर की तरफ होता है। यहाँ आप देख पा रहे हो ये जो मिरर है यहाँ पे इसका जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है वो अंदर की तरफ है। तो जब भी लाइट आएगी जैसे इंसिडेंट रे आ रही है तो जो वो टकरा के वापिस अंदर की तरफ ही चली जाएगी, तो आपका बन जाएगा कनकेव मिरर। तो दैट इज फेस टूवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फेयर, जो इसका फेस होता है रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है वो सेंटर की तरफ होता है, इज कॉल्ड ए कनकेव मिरर। तो उसको हम क्या कहते हैं कनकेव मिरर कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कन्वेक्स मिरर, ए स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा वो कर्व्ड अगर आउटवर्ड हो। आप देख ही पा रहे हो यहाँ पे रेड वाली पॉलिश सरफेस है और जो ब्लू वाला है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो यहाँ पे क्या है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आउटवर्ड है, तो उसे हम कहते हैं कन्वेक्स मिरर। तो ये था आपका टाइप ऑफ मिरर, मिरर कितनी तरह के होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जो मिरर होते हैं उसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तब तक आप इसको रिवाइज़ करें कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। थैंक यू।